ऐसा कुछ नहीं है, सारा ठीक है। ये तो पानी सभी जगह भर रहा। क्या बात है, बड़ी बोल रही। हाँ बड़ी बोल रही, मतलब बोलने क्या। आपका नाम? पवन कुमार। पवन कुमार जी, क्या मामला है, क्यों आप यहाँ पे? मामला ये था सर, यहाँ पे आज भाई के घर वाले मिले का हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी थी और सुबह 7 बजे से बारिश हो रखी है यहाँ पे। पानी पूरा तुम्हें पता ही है, बेड तक वहाँ तक भरा हुआ है पूरा अच्छी तरीके से। व्यवस्था खत्म हो रखी है, कतई भी कोई आदमी समय पर नहीं। यहाँ पर स्थिति खत्म है कतई, और देखो सांप निकल रहे हैं यहाँ पर, सांप अरे वह वह के यहाँ तक। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है आज। क्या जहाँ मरीज पड़े हुए, बेड डूबे? हाँ बेड डूबे हुए हैं मरीज, देख लो आप ही देख लो स्थिति, क्या स्थिति वहाँ पर। इतना इतना पानी है, देखो कहाँ तक पैंट चढ़ रही है बाहर, इससे ज़्यादा कंडीशन खराब है। किसकी लापरवाही थी ये? बस किसकी लापरवाही बताएं, प्रशासन की लापरवाही बताएं, हॉस्पिटल वालों की लापरवाही बताएं, किसकी लापरवाही बताएं, कमी दोनों साइड से ही है। पानी सही तरीके से निकालते तो पानी भी निकल जाता है, जिस हिसाब से पानी भर रहा है यहाँ पर, कोई आदमी ना देखने वाला ना सुनने वाला। ए धरगू जुगत गिर का जोड़ दो। आपका नाम? मोहनलाल है जी, मेरा नाम। मोहनलाल जी, क्या स्थिति हुई आज बारिश? अस्पताल में चल रहा था, 1:30 बजे से रात से बारिश हो रही लगातार, ठीक है ना। अस्पताल के चारों तरफ पानी पानी है, मरीज को भी दिक्कत, स्टाफ को भी दिक्कत, पूरी छत भी टपक रही है पूरे अस्पताल की, ठीक है जी। और क्या नाम उसका, स्टाफ वालों का भी रूम सारा टपक रहा है, कमरों पानी भर, कमरों में भी पानी भर रखा, पीछे वाले गेट से निकल के अगले वाले गेट में पानी निकल रहा है। पेड़ भी गिरा है क्या, हादसा होने? हाँ पेड़ भी, दो पेड़ गिरे हुए हैं, 2-3 इससे पहले गिर चुके थे, और यहाँ को भी कोई भी कोई घटना घट सकती है। आपका नाम? कमलेश। क्या स्थिति, क्यों आप यहाँ आए थे? हम जो डिलीवरी लेके आए थे मरीज को, तो यहाँ मैं जैसे आए जब से बारिश हो रही है, बहुत पानी भरा हुआ गोटू गोटू, और मतलब मरीज के लिए भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कमरे में बेड वेड सब जगह पानी भरा हुआ है। तो यहाँ मतलब मरीज लेके आए तो सुविधा तो कुछ होनी चाहिए ना, बताओ सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से कहना चाहते हैं कि जब यहाँ मरीज लेके आए तो इनके लिए सुविधा होनी चाहिए। कौन सा जी दो।
रुको 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 नहीं नहीं रुको अभी पंद्रह सेकंड हो ऐसा पंद्रह सेकंड आ रहा है आ देखो जा देखो भाई भाई हो गया मैं ऐसा पूछ रहा शायद दिखा देगा उन्हें मैं गेट वाले दम बड़े और आज कुछ रात कोई पता नहीं है हम तो हम ख्याल बताइए आप क्या खैर लेकिन कोई और है ना उसका उन्हें सब बता दे और आज दिखा आज हॉस्पिटल भी बन गया कर्मचारी भी कहाँ एम का आ आपका नाम क्या है पूरा मामला क्यों यहाँ पर आए थे और क्या स्थिति है जी बेटे को बच्चा पैदा करने के लिए 7 बजे से आए हुए हैं यहाँ से जच्चा को भी रखने का कोई सुविधा नहीं है पानी भरे पड़े हैं अस्पताल में गोड्डो गोड्डो पानी आ रहा है बहुत परेशान है बेड भी डूबे बता रहे हैं बेड भी जी हमारे डूब रहे हैं पानी में किस क्या उसमें सरकार से क्या कहना चाहोगे सुविधा लेनी चाहिए सुविधा करो कोई और भी आके परेशान होंगे से हमारे आपका नाम जी एस चौधरी फार्मासिस्ट क्या स्थिति है अस्पताल की आज क्या स्थिति हॉस्पिटल के चारों तरफ पानी है पेशेंट के आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है जो पेशेंट आता है पानी से होकर हॉस्पिटल में अंदर आता है और जाने की व्यवस्था नहीं है और बिल्डिंग सभी चुकी हुई है एमरजेंसी पानी भरा हुआ है डिलीवरी विभाग में पानी भरा हुआ है क्वार्टरों में जो हमारे क्वार्टर हैं टोटल समय पानी भरा है छत सारी बिल्कुल खराब दिल्ली पेड़ भी गिरे हाँ 2 पेड़ गिरे हुए हैं जिनके कारण बिजली जो बिजली के तार थे उनके ऊपर पेड़ गिरे हादसा होने से बार बार बचा सरकार से क्या चाहते हैं आप सरकार से तो यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी बिल्डिंग की दोबारा इसकी रिपेयर कराओ या दोबारा इसको कहीं और बनाओ या पहले भी आपने कोई शिकायत की इसकी कई बार जा रही है जैसे हम डीएम साहब से भी डीएम साहब आई थी एक दिन वो पूरी स्थिति देखी थी कि हालात जो है जर्जर अवस्था में है पूरा हॉस्पिटल और कितने दिन से प्रयास है लोगों का लेकिन कोई अब तक आश्वासन ही मिले काम नहीं है कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है यार।
यहाँ भी है ना, यहाँ भी है ना, ये है बंदा जो पानी पानी।